हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं सुरमई फिश फ्राई रेसिपी। इसके लिए हमने सुरमई फिश ली है। इसके हमने अच्छे से कट करके, इसे साफ करके इसके पीसेस कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमने एक प्लेट में आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसमें हम एक चुटकी हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच से थोड़ा कम हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा पानी और मिलाएंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी जो हमने फिश को कट करके रखा है, इन पीसेस को हम ये लगा लेंगे। हमें अच्छे से इन्हें दोनों साइड से लगा लेना है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने रो फिश फ्राई की रेसिपी भी मेरे चैनल पे शेयर की है। अगर आपको वो रेसिपी देखनी होगी तो मैं इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसे देख सकते। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अभी हमने सारे पीसेस में मसालों को अच्छे से लगा लिया है। अभी हम इन्हें 5-10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। और अभी हम एक प्लेट फिर से लेंगे और इसमें हमने आधा कटोरी से थोड़ा कम सूजी लिया है। इसमें हम आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, और इसे हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले सूजी में अच्छे से मिल जाए। अभी मसाले सूजी में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी हम हमारे फिश के पीसेस को इसमें अच्छे से कोट कर लेंगे दोनों साइड से। हम इसी तरीके से सारे पीसेस को अच्छे से कोट कर लेंगे और इन्हें एक डिश में रख देंगे। अभी हमने सारे पीसेस को अच्छे से कोट कर लिया है। अभी हमने गैस पे एक तवा रखा है, हमने गैस ऑन कर दी है और अभी हम इसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। और ऑयल को इस तरीके से हम तवे पे अच्छे से फैला लेंगे। अभी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम एक एक करके ध्यान से इसमें सारी फिशेज आपके पीसेस डाल देंगे। और हमने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है, हमें मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई करना है। अभी ये एक साइड से फ्राई हो चुकी है।
अभी हम इसे पलटी कर लेंगे और दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। अभी ये दूसरे साइड से भी फ्राई हो चुकी है। अभी हम इसे फिर से एक बार पलटी कर लेंगे और फिर से इसे दूसरे साइड से फ्राई कर लेंगे। अभी हमारे फिश अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इन्हें एक डिश में निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे फिश कितने अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। आप भी इस तरीके से फिश फ्राई ज़रूर करके देखिए। और फ्रेंड्स, ऐसी ही न्यू रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।